टेस्ट एस्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष किया गया। जिला अध्यक्ष रामानुज सिंह ने कहा कि उत्क्रमित हाई स्कूल के शिक्षकों का 8 महीने का वेतन लंबित वेतन का भुगतान नहीं हुआ है तथा प्रारंभिक शिक्षकों का 3 महीने का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। हमारी मुख्य मांगे यही है कि सेवा पुस्तिका संधारण कर सभी शिक्षकों को अविलंब वापस कर दिया जाए। अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग क्या आपके? उत्क्रमित हाई स्कूल के शिक्षकों का 8 महीने से लंबित वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, प्रारंभिक शिक्षकों का 3 महीने से लंबित वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, एरियर का भुगतान पिछले 1 वर्षों से लंबित है। हमारी मुख्य मांग यही है सेवा पुस्तिका संधारण कर सभी शिक्षकों को अविलंब वापस कर दिया जाए और स्कूलों का निरीक्षण कर हमारे शिक्षकों को जो बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसको लगाम लगाया जाए। स्कूल में जो योजनाएं चल रही है सारी योजनाएं सरकार किसी दूसरे एजेंसी के माध्यम से कराए, हमारे शिक्षकों को केवल पढ़ने और पढ़ाने से मतलब रखे, केवल हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। सरकार से हमारी मांग यही है और सारी योजनाएं को बंद कर दिया जाए शिक्षकों के माध्यम से। अगर इस तरह की आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे आप क्या करें? हम लोगों ने धरने प्रदर्शन आज दिया है और सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग यहाँ बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से आज धरना दे रहे हैं और अल्टीमेटम भी दिया गया है कि एक निश्चित सीमा के अंदर अगर हमारी मांगों को नहीं मानी जाती है, हमारे वेतन भुगतान नहीं होता है, तो हम तालाबंदी का कार्यक्रम भी इस ऑफिस में करेंगे। पर्चे बता दें। रामानुज सिंह, जिलाध्यक्ष, टेट स्टेट उत्तीर्ण शिक्षक संघ, भोजपुर।